हूँ ताहिर चौधरी, मेरा है टूवर्ड द पाकिस्तान के नाम से हमारी फर्म है। आज हम आए हुए हैं कैलाश में, कैलाश फेस्टिवल के लिए। तो इस टाइम मेरे साथ हैं एजाज साहब। एजाज साहब का जो होटल है वो कैलाश हाई कुश होटल के नाम से इनका यहाँ पे सेटअप है। 2-3 साल से हमारा जो ग्रुप आता है वो इन्हीं के होटल पे आकर स्टे करता है। तो मैं अपने ऑडियंस के लिए पूछना चाहूँगा एजाज साहब से कि एक्चुअली ये है क्या, ये जो फेस्टिवल है ये क्या है, क्या कौन सी कम्यूनिटी है, इसके बारे में कुछ बताइएगा आप। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे हमें मौका दिया कैलाश वैली के मुतालिक और कैलाश लोगों के मुतालिक मालूमात के लिए आपने हमें एक मौका फराहम किया। एक्चुअली ये फेस्टिवल जो है ना, ये 3 दिन का होता है। इनका अपना प्रोग्राम होता है, वो इसमें डांस वगैरह करते हैं और ख़ुशी का बहुत ज़्यादा इजहार करते हैं। जो लोग जो नीचे से या टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, ये भी उनके साथ उनकी खुशी में शामिल होने के लिए शरीक हो जाते हैं। तो ये इनका अपना एक तरीक़ेकार है और रिवाज दस्तूर के मुताबिक ये अपना वो फेस्टिवल जो है ना वो मनाते हैं। मेरा ख्याल है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं उनकी खुशियों में शरीक होने के लिए ही आते हैं, उनकी खुशियों को दुबला करने के लिए आते हैं, वरना इतना लंबा सफ़र करके, इतना कठिन सफ़र करके आना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये हमारे जो बहन भाई हैं पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो इनकी खुशियों में शरीक होना चाहते हैं। तो इस वजह से दूर दराज के इलाकों से, अभी अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे ग्रुप में अभी फॉरनर्स भी हैं, कुछ मेहमान कराची से हैं, लाहौर से हैं, मैं सादिकाबाद से हूं, इस्लामाबाद से। तो देखिए कहां कहां से लोग इकट्ठे हुए हैं यहां पे। तो सर जी, इस फेस्टिवल के अलावा यहां पे कौन सी चीज़ें देखने के लिए? यहाँ पे इन कैलाश लोगों का अपना कब्रिस्तान है, वो देखने की चीज़ है। और इनका अपना जो यहाँ पे बुदोबाश है, उनके रहन सहन है, उनका जो तरीक़ा है, वो सब देखने की चीज़ें हैं। ये दुनिया में कहीं पे भी ये लोग नहीं हैं, सिर्फ ये पाकिस्तान में और चित्राल में ये लोग रहते हैं। दुनिया में कहीं पे भी इनकी सकाफत, इनकी जो बुदोबाश है, उनका रहन सहन है, उनका तरीक़ेकार है, कहीं पे भी जहाँ तक मेरे इल्म का वो है, वो वहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे चित्राल में इनका एक खुसूसी मतलब एक उनकी ट्रेडिशन है, पहचान है। बिल्कुल जी, वो जहाँ तक टूरिज़म का ताल्लुक़ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं। हमारा कोशिश ये है कि हम अपने भाइयों को, अपने मुल्क के बाशिंदों को यहाँ पे फैसिलिटेट करें, उनको मतलब सहूलतें हम उनको फराहम करें। बहरहाल हम अपने तय तो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश हम ये करेंगे कि ये हमसे खुश हो के यहाँ से चले जाए। नहीं जैसा मैंने देखा है, पहले भी हम लोग आते रहे टूर लेके, लेकिन यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटी है, चित्राल के जितने भी लोग हैं, यहाँ पे लोकल जितने भी हैं, बहुत प्राउड हैं, बहुत ख्याल करने वाले, बहुत प्यार करने वाले हैं। शायद यही जज्बा है, यही आप लोगों का प्यार है कि लोग दोबारा आने पर यहाँ पर मजबूर हो जाते हैं। तो मैं लास्ट में आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे, और जो भी मेहमान आए आप उनके लिए ऐसे ही फैसिलिटेटर बनते रहें। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी चैनल की बड़ी मेहरबानी, आपने हमें मौका फराहम किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर जी, अल्लाह हाफिज़।